नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 5। आशा करती हूं इसके पहले के सभी अध्यायों को आप लोगों ने श्रवण किया होगा। आइए अब आगे हम 5वां अध्याय श्रवण करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पाठ आरंभ करती हूँ। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब आप इस मास में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि और नियम तथा उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत शुरू करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी और जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़ना चाहिए। मंत्र है, हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करते हुए वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लेकर दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं तोड़नी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून नहीं लेना चाहिए। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त और भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन तथा वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि पहले देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ भी निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति हो जाती है जितना कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से व चावलों से भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया, और मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, आप उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुसरण करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का यह 5वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में नारायण कवच का पाठ करने का अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नारायण कवच पाठ करने वाले व्यक्ति को संकट विपत्ति कभी छू भी नहीं सकती है। श्री हरि नारायण की कृपा उसके ऊपर सदा ही बनी रहती है और कवच की भांति श्री हरि नारायण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। आइए इस पवित्र पावन कार्तिक मास में नारायण कवच का पाठ श्रवण करते हैं। दोस्तों, यह पाठ इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इस नारायण कवच का पाठ जो भी व्यक्ति प्रतिदिन करता है या फिर प्रत्येक गुरुवार को
पूर्णिमा तिथि पर, एकादशी द्वादशी तिथि पर, बैसाख मास में, कार्तिक मास में, इन सभी समय पर जो भी नारायण कवच का पाठ करता है, इसे धारण करता है, उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। शत्रुओं से रक्षा होती है, हर प्रकार के विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। जो भी मनुष्य नारायण कवच धारण कर लेता है, उस मनुष्य को कभी भी भूत प्रेत पिशाच जैसे नीच योनियों का भय नहीं रह जाता है। नारायण कवच का पाठ करने से सभी प्राणी आदर के साथ उस व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। नारायण कवच का पाठ यदि हम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आइए श्रवण करते हैं यह पवित्र महाशक्तिशाली श्री नारायण कवच का पाठ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, जब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, अरिमा आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं, आठ हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्युथ पतितों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञमूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कक्षप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांचन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ।
इसलिए आप कूष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से जो हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। विहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथ पतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस तरह से नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।